हेलो एवरीवन, सो हेयर आई एम विद एन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम चल ही रहा है तो इस टाइम पे हमारे चेहरे में बहुत ज़्यादा ऑयली सा रहता है, बहुत पसीना निकलता है। तो इन सब चीज़ों को लॉक करने के लिए, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। ले चलते हैं वीडियो की तरह। पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी हमें डालनी है जितनी भी हमें यूज़ करनी है। मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे की डेड स्किन को निकालने में हेल्प करती है, इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, ये आपके स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को भी निकाल देती है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है। अब इसको भिगोने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला रही हूँ, आप चाहें तो इसको पानी में भी भिगो सकते हैं। उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये उसमें पूरा गुलाब जल सोख ले। अब हमें एक दूसरी कटोरी में थोड़ा सा आलू कसना है, आलू का रस निकाल के हमें उसी पैक में मिलाना है। आलू आपकी स्किन को लाइटनिंग बनाने में आपकी हेल्प करता है, ये आपके फेस के मास्क को भी निकालने में हेल्प करता है, ये आपके स्किन के दाग धब्बों को हटाने में हेल्प करता है और सनबर्न से भी आपको बचाता है। अब हमें एक छन्नी का यूज़ करके हमें आलू का पूरा रस निकालकर उस पैक में मिला देना है। आलू जो होता है ना, वो आपके आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं उनको भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। अब ये थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था इसको, तो ये कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बन गया है। ये बहुत मोटा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मेरा पैक तैयार हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू मिला रही हूँ। नींबू में विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ये भी आपके टैन रिमूवर में हेल्प करती है। तो हमारा पैक अब बन के तैयार हो गया है। तो आई होप कि आपने वीडियो में देखा होगा और आप समझ ही गए होंगे कि इस DIY फेस मास्क को कैसे बनाना है। ये बहुत ही सिंपल है बनाने में, तो चलिए इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो अप्लाई करने के सबसे पहले मुझे अपने चेहरे को क्लीन करना है। चेहरे को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर अगेन ये गुलाब जल मैं यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करिएगा अगर ऐसा कोई मास्क लगाएं तो कोई क्रीमी क्लींजर ना यूज़ करके वाटर बेस्ड क्लींजर यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपको मास्क, जो भी मास्क आप बनाएं उसको आप अपने कानों में और जाके इसको वॉश कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है। डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए जो आपने आलू का सा था उसका जो बचा हुआ आलू था उसको लेना है और अपनी आंखों के नीचे जहाँ पे भी आपको डार्क सर्कल फील हो रहा हो, कालापन जहाँ पे है, उसको लगा कर आपको 20 मिनट्स तक के लिए छोड़ देना है, या तो आप रात में लगा के उसको सो सकते हैं तो वो आपके डार्क सर्कल को रिमूव करने में हेल्प करेगा। ये आपको एक हफ्ते तक लगातार करना है। देखिए, अब मैंने इसको हटा दिया है।
आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ का ये जो एरिया है ये कितना सही लग रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसको आप अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो इसको आप लगातार इस तरह से आलू को कसकर आप इस तरह से डेली आप रात में लगा के इसको सो सकते हैं। तो आप एक हफ्ते तक इसको लगातार यूज़ करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा अपने अंडर आइज में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करिए। एंड आप अगर उसको लगातार आप यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे में जो भी टैनिंग होगी या फिर जो आपका जो रियल कलर होगा ना, वो क्या होता है सन से और जो पॉल्यूशन वगैरह है उन सब चीज़ों से आपका जो रियल कलर होता है वो दब जाता है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हटाने में ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता है या फिर अगर आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसको ट्राई करते हैं ऑलरेडी, तो अगर आप इसको जानते हैं बाद तो वो चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी चीज़ है आपको इसके बारे में अगर कोई सुझाव हो तो वो मुझे बताइएगा। और अगर इसके लिए आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, जैसे बहुत लोगों को कोई चीज़ होती ना कि आपको नहीं सूट करती है, तो उनके अगर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।